सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं अनामिका गौतम। 2019 के चुनाव होने वाले हैं, ज्यादा समय ना रहते हुए सभी राजनीतियां पार्टियां अपनी सत्ता की रोटियां सेकने में लग चुकी हैं। सभी अपने अपने आप को प्रूफ करने में लग चुकी हैं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूं, अगर आप सब सही हो तो गलत कौन है? जनता जनता जनार्दन है। अगर आप लोगों को सत्ता में वो ला सकती है, जनता जनार्दन है, अगर वो आपको चुन के सत्ता में ला सकती है, तो वो आपको सत्ता से बाहर करना भी जानती है। अगर आज कोई सक्षम है छल झूठ कपट, जो सारी क्वालिटी सारी काबिलियत रखती है पार्टी, तो वो हमारी है बीजेपी सरकार। आज वो झूठ बोल बोल के इस कदर अपने झूठ में घिर चुकी है, फंस चुकी है, कि आज उनको ये बोलने के सिवा और कुछ नहीं रह गया है कि आज हम खतरे में हैं। आज हिंदू तत्व खतरे में है, गाय माता खतरे में है, मोदी जी खतरे में हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हर कोई खतरे में। ऐसा क्या 4 सालों में हो गया है मेरे भाइयों, जो आज सब खतरे में आ गए हैं? मैं आपको याद दिला दूं, अगर कोई खतरे में है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा हिंदुस्तान खतरे में। याद रखना, मेरा हिंदुस्तान खतरे में। अगर कोई खतरे में है तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, दलित, मुस्लिम, मीडिया, रिपोर्टर, सैनिक, बॉर्डर, देश की अर्थव्यवस्था, देश की जनता, अगर कोई खतरे में है तो सिर्फ ये। अगर बीजेपी शासन काल के दौरान अगर कोई सुरक्षा के घेरे में है तो सिर्फ और सिर्फ गाय माता, अन्यथा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। किसी का बेटा मर जाए, किसी का पति मर जाए, किसी का बाप मर जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर किसी के ये गाय माता नहीं मरनी चाहिए, गाय माता नहीं मरनी चाहिए। साथियों, ऐसा क्या हम लोगों ने कर दिया कि आज हम सब खतरे में आ गए? हमसे भूल, हमसे गलती। और मैं आप लोगों से आशा करती हूँ, आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि 2019 में ऐसी गलती आप नहीं दोहराओगे, ऐसी गलती नहीं करोगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। बीजेपी शासन काल में ऐसा क्या कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्या कुछ नहीं हुआ? इन्होंने अपनी राजनीति फायदे के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया? हिंदू मुस्लिम तक के झगड़े कराती है, लिंचिंग के नाम पर दंगे फसाद कराती है, दलितों पर शोषण कराती है, दलितों महिलाओं पर ही हद से ज्यादा शोषण हो गया। 40,000 से ज्यादा दलितों के केस दर्ज हुए, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं को नंगन घुमा दिया जाता है बीजेपी शासन काल के दौरान, मगर कोई कार्रवाई करके राजी नहीं है। मेरी बहनों पर तेजाब फेंक दिया जाता है, मगर कोई पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करके नहीं राजी है। भारत का संविधान पुलिस प्रशासन के सामने जला दिया जाता है, मगर उस पर कोई कार्रवाई करके राजी नहीं है। क्यों? अगर आज हम लोगों को कुछ प्राप्त हुआ है बीजेपी शासन काल के दौरान, अगर आज हमें कुछ प्राप्त हुआ है, तो महिलाओं का शोषण, बलात्कार, बेरोजगारी, गरीबी, दरिंदगी, खौफ, दहशत, इसके सिवाय हमें कुछ बीजेपी शासन काल के दौरान प्राप्त नहीं हुआ है। लाचारी और कुछ नहीं। आज हम लोग इतने बेकार हो चुके हैं। आज ये लोग कुछ भी बोल के राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका वोटिंग का टाइम आ चुका है। अगर आज ये बोले तो इनके बुरे हो जाएंगे, अगर उधर से बोले तो उधर वालों के बुरे हो जाएंगे, और इन्हें अपनी वोट का खतरा, तो इसलिए ये किसी के पक्ष में बोलने ही वाले नहीं है। हर बलात्कारी का कनेक्शन क्यों बीजेपी कार्यकर्ता से होता है, बोलिए क्यों होता है? महिलाओं का सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है तो वो बीजेपी शासन काल के दौरान हुआ है। मेरी महिलाओं को अगर दर्द झेलना पड़ा है, मेरी बहनों को अगर दर्द झेलना पड़ा है, तो वो बीजेपी शासन काल के दौरान हुआ है।
मेरे भाइयों, आज मेरी बहनें, मेरे भाई बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। और मोदी और योगी सरकार में बोला जाता है कि नौकरियां तो हैं, मगर इन लोगों में वो नौकरियां पाने की काबिलियत नहीं है, वो क्षमता नहीं है। ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने जिंदगी भर मंदिर का घंटा बजाया हो, जिन्हों पर सत्ता में आने से पहले दर्जनों केस दर्ज थे मगर सत्ता में आते ही वो सब खारिज हो जाते हैं, जिन्हें संविधान के बारे में ABCD भी नहीं पता, जिन्हें संविधान के बारे में ABCD भी नहीं पता, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में ABCD भी ना पता हो, जिन्हें कुछ भी ना पता हो, ये वो लोग बोलते हैं। उनों के हाथ में यूपी सरकार को सौंप दिया जाता है। भैया जब अनपढ़ गवारों की सरकार लाओगे तो ऐसा ही होगा, ऐसी दरिंदगियों से सामना तुम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा, शोषण से ऐसे ही सामना करना पड़ेगा। एक हमारी स्मृति रानी है जो महान है, जो बीजेपी शासन काल के दौरान जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जिनकी शिक्षा भी कंप्लीट नहीं थी। साथियों, हमें ग्रेजुएशन करने में लगभग 3 साल लग जाते हैं और उसके दो साल बाद हमें वो डिग्री प्राप्त होती है। और मोदी जी की सरकार के दौरान स्मृति ईरानी जी ने वो 3 दिन में ही प्राप्त कर ली। भैया कुछ भी हो सकता है, बीजेपी शासन काल है, जो नहीं होता वो भी हो सकता है। ये सत्ता में आए थे बोल के कि काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे। ना तो काला धन आया ना अच्छे दिन आए, बस से बदतर स्थिति हम लोगों की हो चुकी है, मगर अच्छे दिन आने की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही होने वाली। ये इन्होंने बोला था कि हम तो देश के चौकीदार हैं, इन चौकीदारों के सामने से, ये चौकीदार ऐसे चौकीदार हैं कि नरेंद्र मोदी माल्य जैसे उद्योगपतियों से 44-44 करोड़ रुपए ले लिया जाता है, 44-44 करोड़ रुपए ले लिया जाता है, और ये चौकीदार इन उद्योगपतियों को देश से भगाने का काम करते हैं। मीडिया को 55 करोड़ रुपए दे दिया जाता है, 55 करोड़ रुपए दे दिया जाता है, दिन रात हमें दिखाइए, दिन रात हमारी चापलूसी कीजिए, दिन रात हमारा प्रचय कीजिए, और ये करते भी हैं। और जो नहीं करता उसको इस्तीफा दे दिया जाता है, और जो करता है उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। मैं जी न्यूज के मालिक की बात कर रही हूँ साथियों। और जो इनके सामने डर के खड़ा रहता है उनको इस्तीफा दे दिया जाता है, जैसे मेरे कुछ एंकरों भाइयों के साथ हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने सच का साथ दिया, झूठ का साथ नहीं दिया, सच का साथ दिया। बीजेपी सरकार का समय समाप्त होने की कगार पर खड़ा है, मगर अब भी मोदी जी अपनी डिग्री दिखाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अब नहीं दिखाओगे तो मोदी जी कब दिखाओगे, मुझे बताइए साथियों। इतनी दरिंदगी, इतना खौफ, दहशत, डर मैंने कभी किसी राजनीति पार्टी के दौरान नहीं देखा, जितना हद से हद पार हो गई है। अब आज आप वोट किसी को भी डालो, मगर एक बार वोट डालने से पहले अपनी बहनों को जरूर याद रख लेना, अपनी माओ को जरूर याद रख लेना। अगर फिर भी आप लोगों को, इन लोगों को वोट डालनी है तो एक बार सहारनपुर कांड जरूर याद कर लेना, भीमाकोरा गांव कांड जरूर याद कर लेना, देवरिया कांड जरूर याद कर लेना, ऊना गांव जरूर याद कर लेना। और फिर भी इन लोगों को वोट डालना है तो अपनी माताओं को और बहनों को जरूर याद कर लेना।